आप ऐसे ही बोलोगे तो कौन नंबर दे रहा है? तुम्हारे बाबू नहीं लगते तुम्हारे कहने से? काय के लिए चिल्ला रहे हो? बैठ जाओ। अन्य सदस्यों, आप सुनोगे तो आपको मजा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ खट्टा होगा, कुछ मीठा होगा। तो अल्लाह करना है, सुनना है, तय कर लो। आपके मुख्यमंत्री को एक शब्द नहीं बोलने देंगे, आप शांति से रहो, शांति से रहो, डरो नहीं, फर्क पड़ता। इस महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं का अत्याचार, महिलाओं के अत्याचार के 14,835 केवल 5 महीने के हैं, 5 महीने के, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो नहीं सहेगा राजस्थान, आपका फेल हो गया। 6 महीने में केवल मुख्यमंत्री जी ने और इन्होंने, आप सुन ले भैया, आप तो मेरी जगह भी बोल लो तो मेरे को आनंद आ जाएगा। शिक्षा मंत्री जी को डिमांड पे रिप्लाई देने के लिए ही लाइक नहीं समझा, और फिर भी बीच बीच में बोल रहे हैं। आप डिमांड रखवाओ और फिर आप बोलना कि मुख्यमंत्री सुझाव प्राप्त करेंगे, वित्त मंत्री बजट को अंतिम रूप देगी, फिर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वित्त मंत्री नहीं बोलेगी, फिर बजट की क्रियान्विति में वित्त मंत्री नहीं जाएगी, और बजट पारित होने से पहले, बजट पारित होने से पहले मंत्री जा करके और वहां कहेंगे बजट को लागू करो। जिला कलेक्टर कह रहे थे कि साहब क्या लागू करे, बजट पारित करा के तो लाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के प्रदेश समझ में नहीं आ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री के विभाग और ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं, सीएस के सीएमओ समझ में नहीं आ रहा है, और सीएमओ को के दिल्ली समझ में नहीं आ रही है, और जनप्रतिनिधियों को काम कौन करेगा समझ में नहीं आ रहा है। ये इनकी सरकार का 6 महीने का नमूना है, ये इनकी हालात है, कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। किलों की बातें करेंगे, महलों की बातें करेंगे, यही बजट पे है बस, यही बजट पे है बस, यही बजट पे बोलना है। समय सीमित है, मैं बैठा दूंगा, समय पूरा होते ही बैठाऊंगा। राजस्थान के इतिहास में सदन की परंपरा रही है, जब मुख्यमंत्री का विभाग होता है तो मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री से जवाब दिलवाता है। ये पहली बार है जब काबिल संसदीय मंत्री होकर के, कार्य मंत्री होकर के भी इनसे जवाब नहीं दिलवाए जा रहे हैं। ये क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा। पहले पढ़ के आओ। इस सदन में बजट के माध्यम से गरीब की बात नहीं, दलित की बात नहीं, पिछड़ों की बात नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, सुशासन की बात नहीं, कृषि पे डिमांड पे चर्चा नहीं होगी, शिक्षा पे नहीं होगी, गृह पे नहीं होगी, कानून व्यवस्था बिजली पे नहीं होगी, पानी पे नहीं होगी, तो क्या करोगे? मेज ही थपथपाओगे क्या? सवाल ये है कि ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है कि क्यों नहीं हो रही है। इसका मायना ये हुआ कि जो पर्चियां आ रही हैं वो न मुख्यमंत्री की न मंत्रियों की पर्चियां सही नहीं आई हैं, और उसके बाद में इनको जो ऐसे मिले हैं वो भी 360 डिग्री परीक्षण के बाद में। कौन सी बात हो गई? अभी आप सब बोल रहे थे ऐसे, हमको ऐसे कौन सा मिला, नहीं मिला है, ये कौन सा बजट है भैया? हमारे यहाँ यह नहीं होता है, हमारे मुख्य शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ये नहीं पूछता है कि शिक्षा विभाग में रिश्वत चलती है कि नहीं चलती है। हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं, हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं कि कौन कौन रिश्वत लेता है, हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं। हमारा मुख्यमंत्री ये नहीं करता है कि प्रदेश अध्यक्ष निकम्मा है, निठुरा है, फला फला, हम नहीं कहते, हमारी परंपरा नहीं है। आप बजट में बोले मुहा से, माननीय मुख्यमंत्री जो जोधपुर गए और यही संसदीय कार्य मंत्री जी को अंदर नहीं प्रवेश करने दिया, तो ये कह रहे थे एक एक की थैली देने वाला मिलता है, एक एक की थैली, एक एक लाख की थैली देने वाले को मुख्यमंत्री मिलते हैं, हमसे नहीं मिलते। क्या नहीं है, झूठे हैं, सब प्रवेश करने दिया है। आप बजट में बोल के एक शब्द बोलो, हिंदुस्तान के इतिहास में, राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में ऐसा ऐतिहासिक बजट आ गया था, आप बता दो। ये अध्यक्ष महोदय ये डिबेट नहीं है, अध्यक्ष महोदय ये डिबेट नहीं है, मेरे अच्छे मित्र हैं, इनकी बेइज्जती हुई इसलिए मैंने ये दो बात कह दी, आपको बुरा लगा मैं वापिस ले लेता हूं मेरे शब्द।